नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से फेसबुक में अकाउंट बना सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो यदि आपका फेसबुक में अकाउंट नहीं है और यदि आप फेसबुक में अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट देख लीजिए। हम स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बताएंगे और उसको आप फॉलो करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। वीडियो को पूरा कम्प्लीट देख लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो नीचे कॉमेंट जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपका फेसबुक नहीं है ऐप लोड, तो आप लोड लीजिए प्ले स्टोर से। यहाँ पे प्ले स्टोर में जैसे आप फेसबुक लिखिएगा तो ये ऐप आ जाएगा और इसको आपको लोड कर लेना। अगर आपको लोड नहीं है तो यहाँ पे अपडेट आया हुआ है, इसको हम बाद में अपडेट कर लेंगे, लेकिन पहले हम लोड किया हुआ है। चलिए आप लोग भी लोड कर लीजिएगा। तो जैसे आप ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा या ईमेल आईडी या नीचे में पासवर्ड। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका अकाउंट बना हुआ है, वो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो नीचे में यहाँ पे क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट का जो ऑप्शन है हरा कलर से, वहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है ज्वाइन फेसबुक, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ऑडियो भी बंद कर सकते हैं, यहाँ चालू रखिएगा तो यहाँ पे आपको मदद बता देगा क्या क्या भरना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एलो एलो का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे हम एलो कर देते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है व्हाट्स योर नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है जिस नाम से आपको अपना फेसबुक अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम अपना अपना जो नाम है, हमको जो नाम से बनाना है वह हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम अपना नवीन राज नाम से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम नवीन दे देते हैं, पहले यहाँ पे नवीन दे देते हैं। अगर आपको कुमार भी लगाना है तो नवीन के बाद स्पेस देके कुमार लगा देना है, अगर नवीन कुमार राज बनाना है इसे कुछ, तो तीन अंक अक्षर से, तो पहला अक्षर पहला जो लिखे हैं फर्स्ट नेम उसी के बाद अपना कुमार वगैरह जो ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अपना बर्थडे जो है, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप भी अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लीजिए, और जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके नेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्स योर जेंडर है, तो यहाँ पे अपना मेल है या फीमेल है जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम मेल है इसीलिए हम मेल में टिक लगा दिए हैं, और यहाँ पे हम नेक्स्ट में क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट में क्लिक किए हैं तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालने को बोल रहा है जिस मोबाइल नंबर से आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। आप ईमेल आईडी से भी बना सकते हैं, नीचे में साइन अप विद ईमेल जो है वहाँ पे आप अपना क्लिक करके बना सकते हैं, लेकिन हमको मोबाइल नंबर से बनाना था इसीलिए हम मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट में क्लिक किए तो यहाँ पे अपना पासवर्ड डालने को बोल रहा है, जो मनपसंद पासवर्ड यहाँ पे डालना है और वो पासवर्ड रहेगा जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। अपना मनपसंद का यहाँ पे आपको बना लेना है और कम से कम 6 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। तो जैसे पासवर्ड डाल के यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे नीला कलर से एक साइन अप है और नीचे में साइन अप विदाउट अपलोडिंग कॉन्टैक्ट। तो हम अपना कॉन्टैक्ट अपलोड नहीं करना चाहते हैं इसलिए दूसरा ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप कॉन्टैक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो नीला वाला से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हम वहाँ पर क्लिक किए हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएटिंग योर अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर अकाउंट जो है क्रिएट हो रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट कर लेना है, और यहाँ पे देख सकते हैं लाइक का एक बटन आ चुका है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन हो रहा है, यहाँ साइन इन हो रहा है। तो जैसे प्रोसेसिंग हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन आ गया है, पासवर्ड सेव करना चाहते हैं सेव पासवर्ड में क्लिक कर दीजिए या तो नोट नो में क्लिक कर दीजिए। तो हम अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हैं इसलिए सेव पासवर्ड में क्लिक किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड भी बनाए थे वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, या कहीं लिख सकते हैं। तो जैसे आप वहाँ पे ओके में क्लिक कीजिएगा तो जो मोबाइल नंबर आप डाले होंगे उसमें एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल के कन्फर्म में क्लिक कर देना है। तो जैसे ओटीपी आ चुका है, अब यहाँ पे ओटीपी हम डाल के यहाँ पे कन्फर्म में हम क्लिक किए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अपना प्रोफाइल फ़ोटो सेट कर लीजिए। तो अगर आप प्रोफाइल फ़ोटो सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड फोटो में क्लिक करके सेट कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। चलिए हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ऐड फोटो में क्लिक कीजिएगा दो ऑप्शन मिलेगा, टैग फोटो या चूज फ्रॉम गैलरी। गैलरी से हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक फ़ोटो, और उसी को हम यहाँ पे एक फ़ोटो हम वैसे ही लेके रखे हैं तो उसी को हम यहाँ पे लगा देते हैं। आप लोग भी कुछ इस तरह से यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर दिए हैं, अब यहाँ पे हम सेव में क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम लोग फोटो सेव में क्लिक किए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना होगा, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है थोड़ा सा,
और यहाँ पे जैसे अपलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले हम कॉन्टैक्ट को अपलोड नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट अपलोड करने बोल रहा है और दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए हमको यहाँ अपलोड करना ही पड़ेगा। इसलिए चलिए हम यहाँ पे अपलोड कॉन्टैक्ट में क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही अपलोड कॉन्टैक्ट में हम लोग क्लिक किए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट अपलोड हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। थोड़ा सा और थोड़ा सा वेट कर लेना, तो जितना भी आपके कॉन्टैक्ट रहेगा जो जो फेसबुक यूज करता है उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इनमें से आप जिनको जिनको जानते हैं उसको टिक लगा लीजिएगा, उसके बाद नीचे में जो ऐड फ्रेंड का जो ऑप्शन है उसमें आप ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे 5 लोगों को ऐड कर लेते हैं, एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 5 आदमी को टिक लगा ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे ऐड 5 फ्रेंड का जो ऑप्शन आया है उसमें हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक किए तो यहाँ देख सकते हैं कि जो जो फेसबुक यूज नहीं करता है हमारे कॉन्टैक्ट में से उसका नंबर आ चुका है, तो इसको इनवाइट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते ऊपर में डन का बटन मिलेगा, तो उसको डन में क्लिक कीजिएगा तो ये हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, म्यूजिक स्पोर्ट जो भी इंटरेस्ट है वो अपने हिसाब से एक दो को सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे नीचे में जो नीला कलर से जो बटन है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो बन चुका होगा। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोफाइल में आइएगा तो यहाँ से आप कवर फोटो लगा सकते हैं, प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ सारा चीज़ है यहाँ से डिटेल वगैरह ऐड कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह, सिंगल मैरिड क्या है अपना, सारा एड्रेस वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉलोवर्स का सेटिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सारा इस पर वीडियो बना दिए हैं, यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो सबसे ऊपर में जो वीडियो शो हो रहा है उसको अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि किस तरह से आप फॉलोवर का सेटिंग ऐड कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में, और उसके नीचे जो है उससे आप ये जान सकते हैं किस तरह से प्रोफाइल फ़ोटो, कवर फ़ोटो और ये सब सिंगल मैरिड अपना एड्रेस फेसबुक प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। तो दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट है, दोनों में से जो आप देखना चाहें दे सकते हैं। बस बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा।